हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड की तरफ से आई हुई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, कौन कब से कब तक इसमें अप्लाई कर पाएगा, सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से हर रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आऊँगी। बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा आज ही 10 से 12 बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग आ गई हैं और सेंट्रल की अलग। अभी अभी मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर अपडेट करके आ रही हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर भी वेबसाइट देख पा रहे हैं और आप डायरेक्ट हमारी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे नाबार्ड की तरफ से आई हुई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके लिए देखिए, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होगी। ठीक है, सारे ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे आपके पास निकल के आ चुका है, सो आप जल्दी से अप्लाई कर लेना। किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, किन वैकेंसीज के लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगी क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई है, किस तरह अप्लाई करना है और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या क्या बताई है। एप्लीकेशन फ़ी की हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। कई बार हम एलिजिबल नहीं होते, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और किसी ना किसी का फ़ायदा हो सके। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करेंगे। अदर कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी है, यानी कि जर्नल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए 50 रुपये एप्लीकेशन की फ़ी इन्होंने बताई हुई है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है और कब से कब तक अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 23 अगस्त 2020 है। काफ़ी अच्छा मौका आपके पास है और टाइम भी आपके पास अभी है, अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, लिंक भी एक्टिवेट किया जा चुका है और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर लेना, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। वैकेंसीज की बात करेंगे, सबसे पहले जो पोस्ट आउट हुई है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की है। इसके लिए एक पोस्ट है, सीनियर एनालिस्ट की एक पोस्ट है और सीनियर एनालिस्ट की नेटवर्क में और SDWN में जो ऑपरेशंस में है एक पोस्ट है और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में जो है एक पोस्ट आउट की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पोस्ट है, एनालिस्ट कम चीफ डेटा कंसल्टेंट में एक पोस्ट है, उसके बाद CSM यानी साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की एक पोस्ट आई हुई है और ACSM यानी कि एडिशनल साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की एक पोस्ट है और चीफ रिस्क मैनेजर की दो पोस्ट हैं। रिस्क मैनेजर की उन्होंने यहाँ पे चार पोस्ट बता दिए, तो आपको इजीली जो है अप्लाई कर लेना है। ठीक है, लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आपको अप्लाई कर लेना है। जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है और अदर डिटेल्स आपको कोई भी चाहिए, हमारी ऑफिशियल साइट पर जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।